प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कार्यकर्ताओं ने देर रात रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की। लाहौर में गवर्नर हाउस को भी जला दिया। खान को अल कादर यूनिवर्सिटी केस में अरबों रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। इमरान को गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फॉरेन एम्बेसी और कॉन्सुलेट के स्टाफ को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट सीमा ने इमरान अगले 4-5 दिन तक जांच एजेंसी NAB की कस्टडी में रहेंगे। हिंसा को देखते हुए आज पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि हिंसा में अब तक 5 अफसर घायल हुए हैं, जबकि 43 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा को देखते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहां 2 दिन के लिए, वहीं पेशावर में 30 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इधर PTI नेता फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। होम मिनिस्टर राणा सनाउल्ला के मुताबिक 3 साल में इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 32 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। इमरान इस केस में सिर्फ एक ऑडियो लीक होने से बच गए। दरअसल पिछले साल मलिक रियाज और उनकी बेटी अब्बार का बुशरा से लेन देन और किसी फाइल को निपटाने का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें बुशरा बीवी 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की मांग कर रही है और इसके बदले इमरान से रियाज को ठेके दिलवाने और उनके खिलाफ सारे केस खत्म करने की बात कह रही है। माना जा रहा है कि ठेकों को ये सौदेबाजी करने से अल कादर यूनिवर्सिटी की जमीन लेने में काफी मदद मिली।